गुड आफ्टरनून एवरी वन सब आ गए चलिए स्टार्ट करते हैं सर कल मैं आपको कल जो क्लास हुई थी उसमें भी डिस्कस्ड अबाउट फ्रिक्शन कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें फ्रिक्शन पे आगे की कुछ बातें डिस्कस करी थी जो क्या था एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपसे बताया था कि नेट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोर्ट सरफेस विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग दैट वॉज कल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज ये दो चीजें हम डिस्कस कर चुके थे उसके बाद फिर हमने एक दो क्वेश्चन करे थे तो एक क्वेश्चन और पहले मैं करवा लेता हूँ फिर उसके बाद में आगे कुछ इनक्लाइन सरफेस पे बॉडी को रख के उसके बाद फिर हम उस पे एक्सेलरेशन पे डिस्कशन करेंगे तो इससे पहले कि मैं फर्दर आगे डिस्कशन करूं उससे पहले एक क्वेश्चन सर उससे पहले एक क्वेश्चन आप देखें ठीक है एक हाँ जी बताइए अ गुड आफ्टरनून सर लास्ट सर, आ, सर कर क्लास कितने बजे हुई थी यस्टरडे क्लास वाज एट 3 एट सर तो ये मंडे से थर्सडे और संडे को होती है ना नहीं नहीं मंडे टू फ्राइडे ही होती है बट लास्ट वीक ऑन फ्राइडे आई वाज ट्रैवलिंग सो आई कुडंट टू टेक क्लास ऑन फ्राइडे तो उसका मैंने कंपनसेट किया था संडे में तो वैसे तो मंडे टू फ्राइडे ही होगी ओके सर ठीक है देखिए सर ये मास ऑफ द ब्लॉक लेट्स दिस मास ऑफ द ब्लॉक इज फोर किलोग्राम मास हमने 4 किलोग्राम मान लिया एंड लेट अस दैट लेट अस दैट के देयर इज अ फोर्स ऑफ आपको बताना है कि सर आपको सिंपली ये कैल्कुलेट करना है ब्लॉक इन फोर सेकेंड्स आपको यह कैलकुलेट करना है कि वट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ब्लॉक इन फोर ब्लॉक फोर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया मास ऑफ द ब्लॉक इज फोर किलोग्राम ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर सिर्फ म्यू लिखा है मैंने म्यू के साथ एस या के नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि चाहे कोई सा भी हो चाहे वो म्यू एस हो या म्यू के हो म्यू की वैल्यू हम जीरो पॉइंट टू ही यूज करेंगे मतलब अगर बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी जीरो पॉइंट टू ही यूज करेंगे और अगर मूव नहीं कर रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी जीरो पॉइंट टू ही यूज करेंगे क्या मेरी बात समझ में आ गई है सबको yeah. तो पहले तो हम ये चेक कर लें कि वेदर दिस बॉडी विल मूव और नॉट वेदर दिस बॉडी विल मूव और नॉट तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिखू यहाँ पर तो आपको नहीं लगता मैंने आपको सिखाया था म्यू इन टू एन इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन म्यू एन

और बॉडी पे जो आपने फोर्स लगाया दैट इज ट्वेंटी न्यूटन बॉडी पे जो आपने फोर्स लगाया 20 so yeah, course, 20 greater, greater force, और अगर ये बॉडी मूव करेगी तो आप यहां पर ध्यान से देखो सारे बच्चे बेटे बॉडी पे एक तो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का इन दिस डायरेक्शन और दूसरा जो फ्रिक्शन का फोर्स आया है दैट इज ऑफ 8 न्यूटन एंड बिकॉज फ्रिक्शन अगर अपना मैक्सिमम भी लगा दे तो भी बॉडी को मूव करने से नहीं रोक सकता तो तो एक बात ऑब्वियस तो है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है है ठीक तो इधर ट्वेंटी और इधर एट तो मैं ये कह सकता हूं बिकॉज ट्वेंटी इज ग्रेटर देन एट तो बॉडी विल एक्सलरेट टूवर्ड्स राइट बॉडी राइट की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी तो व्हाट विल बी द एक्सेरेशन एक्सेरेशन विल बी सिंपली एफ नेट डिवाइडेड बाय मास

एंडवर यू हैव अंस्टेंट एक्सेलरेशन यू कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट एनी रिक्वयर्ड पैरामीटर भाई अगर एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो और इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर जो अप्लाई करोगे आपको बोला गया है यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इन फोर सेकेंड्स तो आप एक बात बताओ कि क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर

ठीक है तो बेटा हमने कुछ नहीं करा है फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज किया फिर हमने नेट ओके फिर हमने नेट फोर्स निकाला फिर भी कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड वंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन ओके जानवी यस इट वुड बी ट्वेंटी फोर इसको नोट करिए अब आगे के डिस्कशंस पे चलते हैं कर लिया नोट आप लोगों ने सर uh, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लेंगे हम देखो बेसिकली यहाँ पर म्यू के साथ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वेदर इट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक तो जब भी ऐसा कभी भी क्वेश्चन में होना तो क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन है तो इसका मतलब है कि फॉर बोथ टाइप ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू आप सेम मानेंगे तो सर क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है देखो मैंने आपसे ये बोला था कि अगर आप कंपेयर करो प्रैक्टिकली तो म्यू एस विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ म्यू के ठीक yes, है बट स्लाइटली ग्रेटर है ना तो कई बार क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू सेम भी ले ली जाती है तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन में फ्रेम ऐसे कर रहा हूं कि ओनली म्यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ स्टैटिकल एज कैनेटिक फ्रिक्शन टू बल टू जीरो पॉइंट टू

ठीक है कल हमने कुछ क्वेश्चन कराए तो आप इनसे आ, वीडियोस आपको पता ही है कि अपलोड होती रहती हैं यस यस तो आप कल वाले वीडियोस देख लीजिएगा उसमें मैंने क्वेश्चन करा है जिसमें मैंने कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक दोनों अलग लिया है पहले हमने ये चेक किया कि है बॉडी विल मूव और नॉट अगर बॉडी मूव नहीं हुई है तो कोई बात नहीं अगर मूव हुई है तो वंस द बॉडी स्टार्टेड मूविंग तो जो फिर हमने फ्रिक्शन यूज किया है दैट इज काइनेटिक वो ऐसे क्वेश्चन में कल करा चुका हूँ ठीक है तो एक बार देख लेना ओके मूविंग ऑन अब आते हैं सर हम बॉडी का मोशन इनक्लाइंड सरफेस पे अब इस पे भी थोड़ा सा एक्सेलरेशन देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन हाउ द बॉडी विल एक्सेलरेट ऑन द इनक्लाइन सरफेस एंड ऑल दोंग्स तब देखो बेटा अब इस लॉजिक को समझो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो सारे के सारे फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन भी ले लूंगा क्या रॉकेट साइंसेस में देखिए मान लीजिए अगर ये एंगल ठीक है मैं पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लो ये एंगल ठीक है दिस इज योर इनक्लाइन सरफेस एंड देर इज अ ब्लॉक लेट से दिस इज अ ब्लॉक

तो बेटे आपको मालूम है कि इफ़ दिस ब्लॉक हैज़ मास ऑफ़ तो ऑब्वियसली एक तो फोर्स यहाँ पर ऐसे लग रहा होगा बेटा, ऐसा कुछ हमने कल भी देखा था ये बता चुका हूं, theta, है ना? और इसको अगर मैं करूं, तो आई गेट दिसम जी थीटा दिस विल इक्वल टू एम जी साइन ठीटा देअ विल बी नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस

बात समझ मेंस में मैं पहली बात तो यह कह सकता हूं सर्फेस the तो जो ये मैं दिखा रहा हूं आपको बट परपर्टिकुलर टू द इनक्लाइन सर्फेस बॉडी विल नॉट मूव इज इट क्लियर और नॉट जिधर एन और एम जी कॉस्टिटा लग रहे हैं उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं सॉरी <coughs> जिधर एन और एम जी कॉस्टिटा लग रहे हैं उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी क्योंकि अगर एन की डायरेक्शन में बॉडी मूव होगी तो इट विल ब्रेक द विद द विद्लाइन सर्फेस इनक्लाइन सर्फेस के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा तो इसका मतलब नॉर्मल जीरो हो जाएगा भाई नॉर्मल रिएक्शन तभी होगा ना जब दो सर्फेसेस कॉन्टेक्ट में हो अगर दो चीज कॉन्टेक्ट में नहीं होगी तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा और अगर मान लो कि एमजी कॉस्टिटा की डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करने लग जाए

तो yes. अगर आप एक्सेरेशन देखो तो दिस विल ओनली बी इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ साइन मतलब समझ रहे हो इसका मतलब है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास इट इज डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट इज डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इट डिपेंड्स ऑन जी बट जी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी तो वो तो हमेशा सेम रहेगी तो एक्सलरेशन इज प्योरली डिपेंडिंग ऑन थीटा एंड म्यू मतलब फॉर द इंक्लाइन सरफेस इफ यू चेंज द एंगल ऑफ तो विल चेंज चेंज इफ यू द वैल्यू ऑफ म्यू देन द एक्सेलरेशन विल चेंज बट विल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी मास अगर आप ज्यादा ले लो या मास कम ले लो एक्सेलरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा सबको समझ में आ गया ये नोट करिए आप यहाँ तक आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं सर Run, sir. हो गया सबने नोट कर लिया Run, sir. Yes, sir. ठीक है अब मेरी बात तो सुनो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं सर क्वेश्चन इस प्रकार से पहले तो एकदम सेम सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसमें गलती नहीं करना प्लीज ये थर्टी सेवन डिग्री है ये ब्लॉक का ब्लॉक है जिसका मास ऑफ ब्लॉक मैं लिख देता हूँ मास ऑफ द ब्लॉक इज़ इक्वल टू मान लो फिर से वही फोर किलोग्राम मान लेते हैं ठीक है और ये थर्टी सेवन डिग्री है और आपका जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक अरे यार

क्या किया था पहले स्लाइड में हाँ एक्सेलरेशन निकाला था बेटा जानवी मैंने एक्सेलरेशन के लिए एक जनरल तरीका बताया कि हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ये सिखाया ठीक है।, है अच्छा क्या ये वाला सरफेस इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू आपको दे दिया है एक्सेलरेशन की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ कॉस्ट थीटा ये आएगी जानवी ठीक है तो ये एक्सेलरेशन आपको बताना है और मैं आपको इसमें एक चीज और भी याद दिला देता हूं कि साइन थर्टी सेवन इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव साइन थर्टी सेवन इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव और कॉस थर्टी सेवन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू फोर बाई फाइव तो आपको ये बताना है कि सर ये बॉडी मूव करेगी क्या और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी मैं आपको टाइम दे रहा हूं आप सॉल्व करिए जल्दी से आगे किसी का आंसर कर लिया बच्चों पहले तो आप ये चेक करो कि वेदर दिस बॉडी विल मूव और नॉट बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी सर वेट ठीक है मैं वेट कर रहा हूं भाई बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी कौन डिसाइड करेगा ये डिसाइड करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन की आप मैक्सिमम वैल्यू चेक करो कि क्या आ रही है ठीक है और इस बॉडी को चला कौन सकता है तो एम जी साइन पहले तो चीजों को अच्छे से समझो सर विच फोर्स कैन मूव द बॉडी एंड विच फोर्स यस इट विल मूव ओके ओके सक्षम मैं बाकी बाकी बच्चों को बताता हूं देखो भाई एक बात सुनो यहां पर एम जी साइनिटा होता है और यहां पर एम जी कॉस्टिटा होता है ये एन होता है और इधर फ्रिक्शन लगता है अंडाउटेडली एन और एम जी कॉस्टिटा की डायरेक्शन में बॉडी तो मूव नहीं करेगी बॉडी विल नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एन और एम जी कॉस्टिटा बॉडी अगर मूव करेगी तो उसको मूव कौन करा सकता है एम जी साइन थी अरे हा ना बोलो तो एम जी साइन थीटा बॉडी को मूव करा सकता है ना तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू अगर हम चेक करें थीटा की वैल्यू एम जी साइन थीटा की वैल्यू तो एम की वैल्यू कितनी है फोर जी की वैल्यू कितनी है टेन ओके हर्षित मैं देखता हूं आंसर और साइन थर्टी सेवन तो साइन ऑफ थर्टी सेवन इज हाउ मच दैट इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव

12.8 आएगा ऐसे 12.8 आ रहा है 12.8 न्यूटन मतलब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अपनी पूरी मैक्सिमम वैल्यू भी लगा लेगा स्टैटिक फ्रिक्शन तो भी उसकी वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ द एमजी साइन थीटा मतलब एमजी साइन थीटा की वैल्यू

और अगर बॉडी मूव कर रही है तो अगर बॉडी मूव कर रही है और कोई इज नो अदर अदर फोर्स देन दिस एंड ऑल तो इस केस में इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा नहीं कि रट लो अब सिंपल सी बात सुनो इस केस में इस सिचुएशन में मैं डायरेक्टली एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं जी मल्टीप्लाइड बाई सा माइनस ऑफ न्यू न्यू कौन सा वाला होगा स्टैटिक का काफिशियंट या काइनेटिक काइनेटिक का काइनेटिक बिकॉज बॉडी इज मूविंग तो, के तो तो टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 बस इतने ही फोर्सेस हो तब ये आप डायरेक्टली यूज करना अभी मैं सिचुएशन चेंज कर दूंगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला फिर यूज नहीं होगा इसलिए रटो नहीं है ना यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला आप सिर्फ कॉन्सेप्ट रटो

इन डिफरेंट लेक्चर्स ऑल द क्वेश्चंस विल नॉट बी सेम कुछ अलग-अलग क्वेश्चंस -अलग होंगे क्यों क्योंकि वो डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होता है मैंने बोला था ना कि आप एक गलती कर सकते हो कि फार्मूला रटोगे तो बस ये मेरे दिमाग में बात आ गई तो मैं वहां से एक क्वेश्चन फॉर्म कर देता हूं देखो कैसे मैंने बोला कि इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन का इस बॉडी पे म्यू एस की वैल्यू वही 0.4 म्यू के की वैल्यू म्यू के की वैल्यू वही 0.3 ठीक है बॉडी का मास वही बॉडी का मास वही कितना लिया था 4 किलोग्राम अब मुझे बताओ कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा देखो यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया है मैंने ठीक है और ये वाला जो सरफेस है डिग्री के एंगल पे yes, question, no question, so, आप डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिख सकते जी इन टू साइन टीटा माइनस म्यूको बिकॉज इस फोर्स पे भी एक्सिलेशन डिपेंड करेगा अब जब आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सर यहाँ पर N है, यहाँ पर है, ये बाकी तो वही है MG theta, ये बट अलॉन्ग विद्रिक्शन यू आरविंग वन मोर फोर्स अब याद करो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करा था दैट वाज इक्वल टू यू रिमेंबर दैट ठीक है नहीं याद है तो यहां से भी कर सकते हो मतलब ओके okay, तायरा लेट मी चेक तो ये जो आपने फ्रिक्शन क्योंकि बाकी डेटा सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई न्यू इंटू एम जी कॉस्टीटा और ये सारी वैल्यूज अगर आप पुट कर देंगे तो दिस यू गॉट इट देखो और एम जी साइंटीटा की वैल्यू वहां पर कितनी आई थी बेटा एम जी साइंटीटा ट्वेंटी फोर आया था शायद आसे। आसे। ठीक है अच्छा एक बात याद रखो कि एज एम जी थीटा इज ग्रेटर तो बॉडी हैज टेंडेंसी ऑफ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एम जी थीटा इसमें एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है डोंट गेट विद द कन्फ्यूज विदी थीटा और इस एक्सटर्नल फोर्स में कौन ग्रेटर है एम जी थीटा अगर आप एक्सटर्नल फोर्स देखें तो दैट इज ओनली इक्वल टू इकुलेन और एम जी थीटा इज ट्वेंटी फोर तो अगर ये बॉडी स्लाइड करेगी तो इट विल नॉट स्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स

तब एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में करती आर यू गेटिंग वॉट आई एम ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट ने एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन इट इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन वो mg जी साइंटिटा के डायरेक्शन में भी चल सकता है एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन आउट ऑफ दिस टू विच ऑफ द टू इज ग्रेटर आउट ऑफ द टू विच ऑफ द टू इज ग्रेटर ठीक है तो चलिए मेरी बात आप समझिए बहुत ध्यान से सुनिए

किसी सर, वो कोई इसमें आपने कहा जैसे कि मतलब अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू मैंने जो कहा उस पर अभी एक क्वेश्चन बनाऊंगा डोंट वरी सर एक डाउट था एक पूछना हाँ बोलो सर जैसे उधर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू एम जी साइन थीटा से बड़ी होनी चाहिए तभी मूव करेगी हाँ, तो डाउट क्या है सर उसमें जैसे आ, उस केस में बॉडी रेस्ट पे नहीं होगी नहीं बेटा यही तो कमाल खेल कमाल है क्यों रेस्ट में हो जाएगी भाई सर अगर मान लो हम ऊपर खींच रहे हैं ज्यादा फोर्स लगा के तो ऊपर नहीं जाएगी वो सर नहीं जैसे आपने कहा सेल वो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो स्टैटिक फोर्स होता है सेल्फ एडजस्टिंग होता है तो उ, उस केस में मतलब अगर उनका सम तो जैसे मैंने ये बिल्कुल सुनो मेरी बात मेरी बात सुनो तुम कंफ्यूज हो गए मैं क्वेश्चन कराऊंगा इतना दिमाग मज, पे जोर मत डालो अभी फिलहाल सुनो क्वेश्चन कराऊंगा अभी वैसे तो एक बात समझो मैंने एक जनरल पॉइंट बोला इसका यह मतलब नहीं बोला कि भाई ये चल ही लेगा मैंने ये बोला कि इस केस में सर आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि बॉडी एमजी साइन के डायरेक्शन में ही चलेगी तो मैंने ये बोला कि when I force and MG चलेगी तो इट विल ओनली मूव इन द डायरेक्शन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अगर सिचुएशन बदल जाए जैसे एक्सटर्नल फोर्स मैं थर्टी नहीं उठन कर दूर एम जी साइनटीटा ट्वेंटी फोर है तो उस केस में अगर बॉडी अगर बॉडी चलेगी वर्ड पे ध्यान दे अगर इफ बॉडी विल मूव

तो जो अभी क्वेश्चन अरे ये सबने नोट कर लिया तो बताइए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ ओके आई एम वेटिंग मौना एंड विभूति बोल लो भाई आप लोग भी बोल लो अच्छा लगता है बोल लो मौना एंड विभूति बहुत अरे वाह बहुत बढ़िया यार बहुत अच्छा लगा आप लोगों की आवाजें सुन के मन प्रसन्न हो गया मन प्रसन्न हो गया, गया मतलब के मतलब वो कहते हैं ना कि ग्लैड हो गया मैं बहुत खुश हो गया आप लोगों की आवाज सुन के आप लोगों को समझ आ गया ये सब देश Moment देश बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना बताने के लिए ओके तो हम आगे बढ़ते हैं सक्षम नोट कर लिए बेटे ओके चलिए बहुत बढ़िया सर बहुत सुंदर बहुत मजा आया वाह वार। अब आते हैं क्वेश्चन पे अब क्वेश्चन मेरा सुनिएगा सर वही जो अभी मैंने आपको जो कहानी सुना रहा था मैं उसी से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ सर फिर से मैं वही सब ले रहा हूँ थर्टी सेवन डिग्री इस बारी ब्लॉक का मास थोड़ा कम ले लेते हैं मास ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल तो टू टू किलोग्राम

क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट अवर टाइम ठीक है वैसे वेस्ट तो नहीं होगा बट मैं ही कर देता हूं ताकि थोड़ा ज़्यादा चीजें हम पढ़ तो तो ये सबको समझ आ जाना चाहिए। अब पहली बात तो हम ये देखें कि बॉडी विल मूव तो इन विच डायरेक्शन कैन इट मूव इन द डायरेक्शन इफ इट मूव देन इट विल मूव इन द एक्सटर्नल फोर्स इन विच ऑफ द

इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज वे ग्रेटर दैट ऑफ़ दिस इसका मतलब अगर बॉडी मूव करेगी अगर मूव करेगी इफ बॉडी मूव मूव ये सब वैसे लिखना नहीं होता है आपको न्यूमेरिकल में बट मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं इफ बॉडी मूव देन इट विल मूव इट इन द डायरेक्शन ऑफ अगर वो मूव करे तो मूव करेगा किस डायरेक्शन में तो इन द डायरेक्शन ऑफ

सबको क्लियर है ये कैसे आपको सोचना ये जरूरी नहीं है डायरेक्शन ठीक है तो हम इस तरह से चीजों को डिसाइड करते हैं ये हो गया हो सब ने नोट कर लिया तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट इंसर वुड बी अलेवन पॉइंट सिक्स जाहवी इज इट डन जी बताइए की जोश स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हुँ. अपना मैक्सिमम नाम लगे नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अपना हारेगा तो वो सारी कोशिश करेगा तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि विदाउट द फ्रिक्शन और एस्टेटिक फ्रिक्शन बिकमिंग मैक्सिमम Okay, okay, okay. Okay, तो तो आपको दिखाया था एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन अभी दिखाया, है। अब, दिखाया है। अब लास्ट एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आपके लिए अब उस फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन को देखो ऐसा क्वेश्चन हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी किया पुलिस ब्लॉक सिस्टम या इसी को कनेक्टेड मोशन भी कहते हैं या पुलिस ब्लॉक सिस्टम भी कहते हैं Uh, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको लास्ट वाले चैप्टर्स में भी कराया था कि वेयर द द टू टू ब्लॉक्स आर टाइड सेम स्ट्रिंग और एक पुली होती है machine, है इज कॉल्ड एज एटवुड्स मशीन ना तो अब ऐसे क्वेश्चन में भी फ्रिक्शन को इन्वॉल्व किया जा सकता है एंड द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम दैट वे ऑल्सो क्या मतलब सर फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन आपसे बोलता हूँ जैसे मान लो कि ये आपका ये आपका यहाँ पुली है ठीक है और यहाँ एक ब्लॉक है

एंडिशियंट ऑफ द फ्रिक्शन म्यू मैं अलग अलग नहीं ले रहा अब आपको लॉजिक समझ में आ गया ना कि अगर स्टैटिक और अलग अलग ले लू तो क्या करना होता है कैसे चेक होता है सिंगल फाइव वैल्यू फॉर बोथ ठीक है तो मान लो इसकी वैल्यू जीरो पॉइंट टू है क्लियर हो गई बात और वो कहां पर है तो इट इज ऑन दिस हॉरिजोटल सरफेस द कोफिशियंट ऑफ दिस फ्रिक्शन इज जीरो पॉइंट टू ठीक है अगर आप इस सिस्टम को रिलीज कर दें तो क्या होगा सर व्हाट विल हैपन और व्हाट कैन हैपन इन दिस केस हु विल टेल मी व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी अगर इफ आई रिलीज द ब्लॉक्स तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी व्हाट विल हैपन सर ये 6 के जी वाला ब्लॉक नीचे आएगा और वो जिस फोर्स नीचे आएगा और टू किलो वाला ऊपर मतलब आगे जाएगा, तो है। है, ये ये तो जाएगा।, आगे जाएगा। सर ये जरूरी है। नहीं है कि ये चलेगा है ना ये जरूरी नहीं है ये चलेगा क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन जो होते थे उसमें हम फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे होते थे अगर आपने रिवाइज किया है अगर आप पढ़ते हैं तो शायद आपको पता हो

सबको समझ में आ गई बात तो आपसे क्वेश्चन में यही बोला जाएगा यहाँ पर भी कि एक्सेलरेशन बताओ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन ठीक है तो आप चलिए अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ दूसरा आप सॉल्व करोगे बिल्कुल सेम कहानी है अब अगर किसी बच्चे sir. को या एक्सक्यूज बोलिए so If S is mentioned, so you have to take it as a static. If it is not mentioned, so you can uh, टेक दैल्यू एज ए स्टैटिक और कैनेटिक डर हाँ बिल्कुल इसमें FBD करना होगा उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे देखो अगर भाई एस लिख देना तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में वो दोनों वैल्यूज अलग अलग दे रहा है अगर क्वेश्चन में एस या के नहीं लिखा वो इट इज सिंपली म्यू इफ इट इज सिंपली म्यू तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन बनाने वाला आपको अलग मेहनत नहीं करवाना चाहता वो सिंपली आपसे ये कह रहा है कि भाई आप म्यूएस यूज करो या म्यू के दोनों की वैल्यू आप म्यू ले लो चाहे आप स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिखना चाहो या कैनेटिक की लिखना चाहो आप म्यू की वैल्यू सेम मान लो ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बनाने वाला आपसे क्या चाहता है मैं यहाँ पर बस ये चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट सीखें तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन को कम रखने के लिए म्यूस और म्यूके की वैल्यू को सेम दे रहा हूँ क्वेश्चन में सेम भी दिया जा सकता है और अलग भी दिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी आते हैं जानवी क्या एक मैसेज है सर टेंशन है या बिल्कुल टेंशन है जहां रस्सी वहां टेंशन भाई जहां रस्सी वहां टेंशन जहां रस्सी मतलब स्ट्रिंग कह लो थ्रेड कह लो रोप कह लो जहां पे भी स्ट्रिंग वहां पे टेंशन तो स्ट्रिंग लगते ही टेंशन दिमाग में आ जाना चाहिए भाई ठीक है तो चलिए लेटस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ये ब्लॉक है टू किलोग्राम का और ये वाला ब्लॉक है सिक्स किलोग्राम का अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये वैसी ही चीज है जो हमने पहले पढ़ा है अगर आपने खुद से नहीं पढ़ा है तो आपको लग रहा होगा कि ये पागल मास्टर बार बार क्या करा रहा है और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको लग रहा है कि लग रहा होगा कि ये बार बार क्यों करवा रहे हो भाई हमें एक बार में में ही समझ में आ गया था तो डिपेंड्स कि आपने कितना पढ़ा है ठीक है तो आप पे डिपेंड करता है भाई इसमें मेरा कोई रोल नहीं है क्योंकि मैं बाकी चीजें पढ़ा चुका हूँ तो खैर अब इस बात को देखिए यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा पहली बात एम लिख सकते हैं ऊपर टेंशन लिख सकते हैं पता नहीं सर और ये अगर एक्सलेट करेगा तो नीचे करेगा और इस पर कोई फ्रिक्शन वरिक्शन तो नहीं है तो ये इतना फोर्स होगा इस पर हाँ ना बोलो भाई यस yes, सर yes, वाले ब्लॉक को अगर देखो तो ये वाला अगर ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये वाले ब्लॉक को ये आगे चला सकता है तो टेंशन इस पे इधर लगेगा अच्छा जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सॉल्व कर रहे थे जहां पर कोई फ्रिक्शन वरिक्शन नहीं होता था तो हम ये एन की वैल्यू कंसीडर वहां पर नहीं करते थे ठीक है क्योंकि भाई वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं था तो एन और ट्वेंटी वॉज बैलेंसिंग इच अदर हम इसको ट कर देते थे बट यहाँ पर we will not neglect it, because यहां पर फ्रिक्शन का भी चक्कर है और friction की value जो होती है वो आपको मालूम है mu into n होती है है होती तो तो इसलिए वो n हम यहां पर शो कर रहे हैं ठीक है? तो अब चलो मैं इस पे equations बनाता हूं इधर मैं equations लिख रहा हूं जिन बच्चों को ना समझ में आए वो प्लीज मुझसे पूछे पहली द वैल्यू ऑफ दिस एन मोहना वैल्यू ऑफ दिस एन मोहना विल रिस्पॉन्ड Mahuna, what will be the value of this N? N ko kya sakta hu? What can be the value of N? Sir, please repeat the question again. Yes, I'm repeating the question again. What is the value of N in the F B D shown to you? What is the value of N?

वैसे वैसे यू नीड टू रिमेम्बर द फैक्ट कि जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे चलते जाएंगे सिलेबस हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाएगी वो होता है ना लेवल वन इंक्रीज एंड इफ यू आर नॉट स्टडिंग है studying, ना इफ यू आर नॉट डूइंग सेल्फ स्टडीज तो यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल तो वहां पर फिर आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ वहां पर या तो आप परेशान हो रहे होगे वेरी मच डिस्ट्रेस्ड यू विल बी स्ट्रेस्ड ठीक है तो आपके साथ या तो ये हो रहा होगा या यू विल स्टार्ट डोंट माइंड मी बट इट इज फैक्ट और यू विल स्टार्ट प्लेइंग ब्लेम ब्लेम गेम क्या आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टीचर सो चेंज माई टीचर एंड सो ऑन तो दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी आएगी और वो क्यों आएगी बिकॉज यू आर नॉट

ये नहीं आ रहा तो फिर उस वक्त आप चाहे कुछ भी कर लें सर इफ यू कॉल द टीचर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड तो इसलिए पढ़ो पढ़ो मैं बार बार कह रहा हूं ठीक है एक तो मुझे पहली बात तो यह आपको पढ़ना है दूसरी बात यह है कि भाई पहली बात कि आपको यू नीड टू बी अटेंटिव इन द क्लास ऑल दो इट इज ऑनलाइन क्लास मैटर पढ़ाया तो जा रहा है ना आपको वही चीजें पढ़ाई जा रही है ना जो क्लास में पढ़ाई जाती तो यू नीड टू बी अटेंटिव अगर इफ आई एम आस्किंग समथिंग तो यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग तो यू विल हैव टू आस्क बाय योरसेल्फ ठीक है पूछो फिर बिल बिल एकदम बैठे रह जाते हो भाई ये बात करते करते मैं थक गया हूं कि नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस एमजी आर बैलेंस्ड ये कह के, के मैं थक गया हूं जब से मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूं ये तब से मैं ये... कहानी सुना रहा हूं सर मैं थक गया परेशान हो गया अभी भी मैंने ये अभी लास्ट के जो क्वेश्चन किए इन क्लाइंट सर्फेस पे उस पर भी मैंने बताया कि एन इज इक्वल टू एम जी कॉस्टीटा होगा अगर ऐसा नहीं हुआ एन ज्यादा हो गया तो सरफेस का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा तो एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर एम जी ज्यादा हो गया तो ये बॉडी सरफेस के अंदर चला जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल अभी समझाया अभी जस्ट उसके बाद अगर इफ यू फेल टू रिस्पॉन्ड तो फिर बताओ क्या होना चाहिए तो इरिटेशन तो मुझे मचेगी ना दोस्त ऐसे थोड़ी होता है यार मैं पागल थोड़ी ना हूं अगर आपको यह लगता है कि मतलब ये सामने वाला तो उसका काम है पढ़ाने का तो भैया मेरा काम ऐसा नहीं है प्लीज सॉरी फॉर दैट आप नहीं पढ़ेंगे मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा रेस्ट यू कैन टॉक टू मैनेजमेंट आई अबाउट दैट ये टाइम पास थोड़ी चला यार मैं मतलब स्क्रीन के सामने मैं डेढ़ घंटा पागलों की तरह बोलता हूं एवरी वन स्टार्ट स्टडिंग नहीं तो फिर तुम ही प्रॉब्लम में आ जाओगे समझ रहे हो मेरे को फिर पढ़ाने में जब मजा नहीं आएगा तो फिर मैं वैसे ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा जब बिना मजे के पढ़ाते हैं लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनिए इस पहली बात तो ये कि एन इज इक्वल टू ट्वेंटी दूसरी बात बॉडी जो इस सरफेस पर रखी हुई है इट कैन एक्सलरेट टूवर्ड्स राइट तो इसपे जो फ्रिक्शन लगेगा इसपे जो फ्रिक्शन लगेगा ऑब्वियसलीट विल्स लेफ्ट भाई टेंशन और फ्रिक्शन दोनों में इसलिए यहाँ पर लग रहे हैं बिकॉज बॉडी इफ इट विल मूव तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन तो ये एक्चुअली में मोशन के अपोजिट लग रहा है फ्रिक्शन ये मतलब है तो ऐसे मतलब हट लेना कि टेंशन के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है ये जरूरी नहीं है रिलेटिव मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है ये जरूरी है ठीक खैर तो बेटा यहाँ पर एन की वैल्यू ट्वेंटी है तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू तो हो गई फोर न्यूटन फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई फोर न्यूटन ठीक है दिस इज वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अब चलो आगे बात करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया सबको आवाज जा रही है मेरी yes, अब sir. इन दो बॉडी से इक्वेशन दो बॉडीज के लिए इक्वेशन बनाओ मतलब हमें उस फोर्सेस से अब की बनाएंगे, तो इस बॉडी के लिए अगर देखो तो दिस बॉडी इज कमिंग डाउन विद एन एक्सलरेशन ऑफ ए तो इसके लिए हम लिखेंगे 60 e 6 मेरी समझ में आ गई एंड व्हाट अबाउट दिस बॉडी जिस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन हो रहा है इस पे क्या क्या फोर्सेस हैं? तो एक फोर्स है टी दूसरा फोर्स है है फ्रिक्शन, ठीक माइनसर इज इट क्लियर टू ऑल प्लीज रिस्पॉन्ड ठीक है तो ये दो फोर्सेज मतलब हो ये क्या वैसा ही नहीं है बेटा जैसा हमने पहले करा था

पुट कर दो इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन इसको नोट करो एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम रिपीट करूंगा उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं

ठीक है तो ये मान लीजिए ये पुली है सर अपना फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ जस्ट विद डिफरेंट डेटा बट द क्वेश्चन इज सेम अच्छा उसमें फॉर्मुले में मत रख के आंसर बता देना सॉल्व द होल क्वेश्चन ऑनेस्टली बाय फर्स्ट ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम देन राइटिंग द इक्वेशंस ऑफ फोर्स एंड देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन तो सॉल्व इट प्रोपरली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक ठीक है और कोई फॉर्मुले में पुट करके आंसर नहीं बताएगा So anyways, this block is of, uh, let's say it is of 8 kilogram and this is of 4 kilogram. Let us assume that the coefficient of friction again on the surface is 0 0.2. You have to calculate the value of acceleration and the value of tension. That is what you are supposed to calculate for. Karu sir, acceleration or tension calculate karu. Question is very same. Surf data ka difference hai, the question question exact same hai. सौ एट केजी। Yes, it is eight kg and the block which is placed on the horizontal surface is four kg. Coefficient of friction is zero point two and uh, rest you have to calculate acceleration yes, and tension. करो बेटा। ओके सक्षम सक्षम गॉट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन लिस्ट आप लोग भी देखें बेटा

उसके बाद एट किलोग्राम वाले अगर ब्लॉक को हम ऑब्जर्व करें ओके तयरा लगेगा और ऊपर क्या लगेगा टेंशन ऐसे लगेगा ठीक है सर दीज आर दू पार्ट इफ द बॉडीट तो दिस विल गो डाउनवर्ड्स एंड दिस बॉडीड दिसरेक्शन ये वाली बॉडी नीचे आएगी और ये वाली बॉडी आगे चलेगी यही तो होगा तो पहली बात तो ये सर की वट विशन तो फ्रिक्शन हमने बोला सर म्यू इन होता है अगेन एन विल बीवल टू एम जी महुनाज इक्वल टू एमजी इज नॉट मूविंग एन एंड एम जी आर इक्वल टू इच अदर दैट इज वाई द बॉडी इज नॉट मूविंग इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन तो एन की वैल्यू फोर्टी है और म्यू की वैल्यू जीरो पॉइंट टू तो जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी तो फ्रिक्शन की जो मैक्सम वैल्यू दट इज एट ठीक है फ्रिक्शन आपको पता चल गया नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर टू बॉडीज इक्वेशन ऑफ फोर्स फॉर टू बॉडीज बिकॉज दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स टू देन दैट ऑफ़ टी इज इक्वल टू एट ए इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड फॉर द सेकंड बॉडी वी है डायरेक्शन उसको सिंपली देखो इधर t और इधर फ्रिक्शन तो t ऑफ 8

Yes, of course. अगर अगर वैसा बता देता हूँ उसके बाद सर्फेस पे आता हूँ ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन खत्म रहे आगे बढ़ सकते ठीक है yes, sir, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि सर मान लो मैं क्वेश्चन क्या देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड मैं, मैं यहीं से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ये फोर्टी और ये टी अगर ये चलेगा तो ये इधर चलेगा ये टेंशन और अगर ये चलेगा तो उधर चलेगा तो ये फ्रिक्शन और ये ये करेगा करेगा, करेगा करेगा। तो इधर करेगा, ये करेगा तो इधर नीचे एन की वैल्यू तो के बराबर होगा ना? टू का अगर मैं सिर्फ फ्री को आप फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वेंटी बट फ्रिक्शन अगर आप लिखेंगे तो जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी टू कितना तो तो दैट विल बी इक्वल टू 0.6 20 दैट इज 12 एम आई करेक्ट हां सर ठीक है अब देखिए ये बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी वैसे तो ये कर जाएगी मूव क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू सिर्फ 12 आ रही है तो मुझे ऐसा डाटा लेना पड़ेगा जिसमें मूव ना करे क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये मूव नहीं भी कर सकती है ये मान लो अगर मैं फोर ले लू तो यहाँ एन की वैल्यू फोर्टी कर दो जल्दी से एन इज इक्वल टू फोर्टी कर दो एन इज इक्वल टू फोर्टी कर दो तो यहाँ पर इसको फोर्टी कर दो तो वो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ठीक है और इस वाले ब्लॉक को मैं कर दू टू किलोग्राम अब ये मत कह देना कि सर ये टू किलोग्राम है तो ये वैसे ही मूव नहीं करता नहीं ये टू किलोग्राम है तो बिना फ्रिक्शन के मूव कर सकता था समझ रहे हो देखो मैं दोनों काम साथ में कर देता हूं ताकि एक परसेंट भी डाउट ना हो अगर यही सिचुएशन बिना फ्रिक्शन के मैं दिखाता टू किलोग्राम एंड दिस इज फोर किलोग्राम तो बिना फ्रिक्शन के कहानी कैसे होती है? ये ट्वेंटी होता इस पर टेंशन होता इस पर टेंशन होता कोई फ्रिक्शन नहीं है दोनों सिचुएशन में समझा रहा हूं अब देखते हैं किसको नहीं समझ में आता तो मेरी बात ध्यान से सुनिए अगर मैं यहाँ पर दोनों के लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा ट्वेंटी मैं ये मान लूंगा ना कि ट्वेंटी माइनस ऑफ टी अगर ये चल सकता है मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये चलेगा तो ऐसे ही तो चल सकता है ना yes, या ऐसा हो सकता है कि इसके ऑपोजिट ये चला जाए मतलब ये ऊपर वाला इधर आए और नीचे वाला ऊपर जाने no, लगे sir. ऐसा हो सकता है क्या नो no, सर इस केस में तो नहीं हो सकता बिकॉज यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन दिस बॉडी विच इज केप्ट ऑन दिस सरफेस तो अगर ये जा सकता है तो नीचे ही जा सकता है ऊपर तो नहीं जा सकता

जो आपने डायरेक्शन माना है उस डायरेक्शन में आपका सिस्टम नहीं चलेगा तो इसका क्या क्या मतलब तो क्या सर उसके ऑपोजिट में जाएगा हाँ उसके ऑपोजिट में जा सकता था बट इस सिचुएशन में तो उसके ऑपोजिट में नहीं जाएगा बात समझ में क्यों क्योंकि आपने खुद ही बोला है कि इसके ऑपोजिट नहीं चल सकता ये yes, बच्चों आप नोट करो मैं एक मिनट में आप आ, मतलब कंटिन्यू करता हूँ आप नोट करो हाँ जी बच्चों तो ये बात आपको समझ में आई कि इसका अपोजिट ये जा सकता था बट यहाँ पर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका मतलब ये होगा कि ये चलेगा ही नहीं इज इट क्लियर और नॉट टी ऑर नो यस सर अब कोई बच्चा मुझे ये कह सकता है कि मास्टर तुम तो बेवकूफ बनाते हो ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा है तो ये नहीं चलेगा ये टू किलो ऐसा जरूरी नहीं है इसीलिए मैंने बिना फ्रिक्शन के भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ

तो तो ये 20 6A आया तो A की वैल्यू मीटर पर स्क्वायर अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये पॉजिटिव है yes, sir. Yes, sir. तो क्या yes, sir. चल गया सिस्टम मतलब टू किलोग्राम भले इसका मास कम है बट क्या वो फोर किलोग्राम वाले को पुल कर रहा है कर रहा है, रहा है। इस सिचुएशन yes, में कर रहा है बट जब फ्रिक्शन को मैंने ऐसा इन्वॉल्व कर दिया तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं कर रहा है तो ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आई बात समझ में yes तो आप हम कैसे समझेंगे कि सर ये कर सकता है या नहीं अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज चलता हो तो हम ये चेक कर सकते हैं कि इस पे फ्रिक्शन लग कितना रहा है और इस पे कितना एम का वैल्यू लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं चेक कर सकता हूँ जैसे मुझे कैसे पता चल गया तो मुझे दिख गया कि इस बॉडी मैंने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया मैं तुझे आइडिया देता हूँ कि जैसे ही मैंने इसको इस बॉडी को ट्वेंटी किलोग्राम किया ना तो इस इसपे मुझे पता चल गया कि एम की वैल्यू ट्वेंटी है और मुझे इस पे मैंने कैलकुलेट कर लिया कि फ्रिक्शन कितना है ट्वेंटी तो फोर है इसका मतलब मतलब ये ये बॉडी को चलने नहीं देगा ये मैं खुद ही मतलब दिमाग में कैलकुलेशन हो गई थी मेरे तभी तो मैंने मासिस को चेंज किया और इस तरह से किया ताकि ये ना चले समझ रहे हो अगर आपके पास बुद्धि है तो ऐसे कर लें या अगर आपका दिमाग इतना तेज नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर एक्सलेशन निगेटिव आ जाए तो आप ये समझ जाएंगे कि आप जो मान रहे हो कि सिस्टम चल रहा है वो एक्चुअली में उस डायरेक्शन में सिस्टम नहीं चल रहा है इज इट क्लियर टेल मी यस और नो यस सर तो अगर नोट yes, करना है तो नोट करो नहीं तो आगे बढ़ते हैं। sir, कर अगर, लो अगर लो आप लो नोट कर... कर... हाँ तो कर लो जल्दी से सर अगर वो फ्रिक्शन इक्कीस होता है और ये बीस होता तब भी सेम कंडीशन जाती सेम कंडीशन आती विदाउट एनी डाउट तब भी सिस्टम नहीं चलता हाँ अगर ये बीस दोनों बीस बीस हो जाएं तो सिस्टम के चलने की वो एक वो होता है वो कहते हैं ना वो थिन लाइन पे बाउंड्री पे हम खड़े हैं है ना वो बाउंड्री से इधर हुए तो हम यहाँ चले जाएंगे और इधर हुए तो वहां चले जाएंगे वो जो अपने बॉर्डर है कि अगर अपना हुआ तो हम चाइना चले गए और बॉर्डर के इधर है एक पाँव इधर है तो हम इंडिया में तो वो वाली बात है तो अगर दोनों ट्वेंटी ट्वेंटी होते तो सिस्टम चल भी सक चलता हुआ भी मान सकते थे रुका हुआ भी मान सकते थे बट चाहे जो भी केस होता चाहे वो चले या रुके रहे दोनों अगर ट्वेंटी होते तो तो उसके समय एक्सलरेशन जीरो होता नहीं ये बात समझ में हां सर अगर एक्सीलरेशन जीरो आ रहा हो ना तो इसका मतलब है कि सिस्टम या तो चल रहा है या नहीं चल रहा है और चल भी रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ये मतलब होता है समला हम उस कंडीशन में कैलकुलेट कर ही सकते कि हो क्या रहा है असल में नहीं नहीं वो कर सकते हैं मतलब बेसिकली एक्सीलरेशन जीरो आएगा कहानी है कि एक्सेलरेशन जीरो आएगा अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे आप तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा और एक्सेलरेशन जीरो का दो मतलब होता है ना बेसिकली के या तो बॉडी इज कंप्लीटली एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी सर ये सर वो 20 3 और t 20 जीरो अच्छा ओके ओके हां समझ गए वो जीरो ही आता यस सर यस सर खैर ये सब नोट कर लिया सर हाँ सिस्टम चलेगा कब जब फ्रिक्शन से ग्रेटर आपका दूसरा वाला फोर्स हो जो पुल कर सके जैसे अगर ये फ्रिक्शन 24 है तो ये वाला फोर्स इफ इट विल बी ट्वेंटी ग्रेटर देन 24, तो फिर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा देन यू विल हैव अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन फॉर द सिस्टम और द बॉडीज़ जो भी कह ओके okay, तो मूविंग ऑन लेट्स गो टू द नेक्स्ट आगे बढ़ू सर, ठीक है अब मैं सरफेस मैंने कैसा लिया था हॉरिजॉन्टल अब मैं उसी सरफेस को इनक्लाइंड पे ला रहा हूँ अब चलो फिर से मैं सिखाऊंगा फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आप ट्राई करेंगे बट पहले मैं सिखाऊंगा फिर से आसानी के लिए आई एम टेकिंग 37 डिग्री का एंगल ये पुली ये ब्लॉक और ये ऐसे लोग्राम लो, ऑब्वियसली लो, ये इस सरफेस पे रखा हुआ है दिखाई दे रहा होगा आपको तो म्यू की वैल्यू मान लो जीरो पॉइंट टू है आपको फिर से बताना एक्सेलरेशन और टेंशन वट वुड बी फर्स्ट स्टेप दैट आई शुड राइट व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ solving दिस क्वेश्चन पहला काम क्या करूं एफ बी टी सिंपल सी बात है कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लो

किस डायरेक्शन में चलेगा ये इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है इस केस में दोनों पे चल सकता है है ये कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें नहीं इसमें दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ये चल सकता है बिकॉज दोनों में पॉसिबिलिटी है या तो ये हो कि ये इनक्लाइंट सर्फेस पे चले तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा या ये हो कि ये नीचे जाए तो इसको इधर जाना पड़ेगा तो सर ये कैसे समझ में आएगा कि किधर चलेगा तो 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 ये तो सर, ये सर तो आपको फोर्स समझाएगा कि ये किधर चलेगा या किधर नहीं चलेगा तो आप तो फिलहाल एक काम करो कि कोई, कोई भी एक डायरेक्शन मान लो कोई भी एक डायरेक्शन मान लो चलो देख लेते हैं कोई भी एक डायरेक्शन मान मान लो लो तो आप लो कि इधर चलेगा मैंने मान लिया कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है ये मैंने माना है मुझे भी नहीं पता ठीक तो है वो तो फोर्सेज डिसाइड भी करेगा ये किधर चलेगा तो अगर ये मैं इसको इधर जाता हुआ मान लो तो फ्रिक्शन इधर लगेगा या नहीं टेल मी यस और नो सर यस सर और इधर के फोर्सेज अगर मैं लिखूं तो ये MG theta, ये वाला जो फोर्स होता था एन होता था और इधर जो फोर्स होगा वो एम जी साइन होगा मतलब फ्रिक्शन विल एक्ट आपको दिख गया होगा forces, diagram, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे इफ एनी वन इज सर तो व्हाट विल बी

इसको अगर आप फर्दर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 5 8s the 40 तो ये 24 24 प्लस ऑफ 6.4 इज इक्वल टू 30.4 तो t ऑफ 30.4 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय देख लेना सिंप्लीफिकेशन देख लेना कहीं पर मैंने कुछ गलती ना किया हो तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन दैट आई हैव गॉट दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द क्वेशन ऑफ फोर्स ऑन दिस बॉडी विच इज के उससे मुझे एक इक्वेशन मिल गया है आई नीड वन मोर इक्वेशन बिकॉज आई है ठीक है तो यहां तक नोट कर लो जल्दी से तो मैं एक okay. और इक्वेशन फॉर्म करता हूं सर ए इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव ए इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव ओके बेटा इसका मतलब है कि द डायरेक्शन इन व्हिच आई हैव अज्यूम द बॉडी टू मूव इज नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन यस चलो फिर भी लेट मी लेट मी फॉर्म द इक्वेशन्स उसके बाद मैं मैं भी चेक कर लेता हूं

in which i am assuming the body to be moving actually body is not moving in that direction kya meri baat samajh mein aayi yes sir pehle ye point sabko clear hai ki jis direction mein maine ye assume kara tha ki body would be moving actually body is not moving in that direction तो इसका क्या मतलब सर Body move ही नहीं करेगी या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती है अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट यहाँ पर अपोजिट में मूव कर सकती है तो सर क्या इसी एक्सेलरेशन से नहीं आपको क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना पड़ेगा आप कहोगे सर ये तो फसा रहे हो तुम तो। देखो फिर से मेरी बात सुनो कि यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो सर क्या इसी से मूव करेगा नहीं यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन सर व्हाई यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन बिकॉज अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो इस डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं हुआ ठीक है जो हमने माना था तो इसका मतलब है कि बॉडी इसके ऑपोजिट मूव करने लग जाए मतलब ऐसा हो कि ये इधर जाए और ये इधर जाए अगर बॉडी इधर जाने लग जाएगी तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द डायरेक्शन ऑफ की उल्टी तो तरफ तो हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी तो अपने को ऑपोजिट कर लेगा तो इसीलिए आप सेम एक्सेलरेशन से बॉडी मूव नहीं करवा सकते मतलब ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर हो गई टेंशन इधर है और ये एम जी थीटा इधर है बाकी जो फोर्सेज जहां थे वो वही है यहाँ पर आपका ट्वेंटी है यहाँ पर टी है ठीक है अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मुझे बस डेटा बताना आप लोग जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा ये मैं यहां से रेस कर दूं जल्दी से तो आप लोग मुझे डेटा बताइएगा जल्दी जल्दी से एकदम खटखट खटखट खट इस वाली बॉडी के लिए क्या लिखूंगा मैं तो अब देखिए इस बार ही मैं लिखूंगा एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इन टू एमजी साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी

6.4 तो माइनस ऑफ 6.4 इज इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी इज 4, yes, so .4, 4 a तो so 24 में से 6.4 घटाओ कितना आएगा 17.6 17 17.6 माइनस ऑफ t इक्वल टू 4a इज माय फर्स्ट इक्वेशन अब दूसरी बॉडी के लिए अब ये पहले हम अज्यूम कर रहे थे ये नीचे जा रहा है बट इट इज नॉट गोइंग दैट वे तो मान लो कि ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे आप p माइनस ऑफ ट्वेंटी इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई इज माय सेकंड इक्वेशन अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो अब क्या हो रहा है देखो पॉजिटिव एक्सलेशन जरूरी नहीं है यही तो सिखा रहा हूं यहां सॉल्व करो तो देखो टेंशन से टेंशन कैंसिल हुआ यहां 17.6 माइनस ऑफ 20 आ रहा है दिखाई दे रहा है यस सर मतलब क्या फिर से एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ गया यस yes, सर फिर से एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ रहा है ना यस yes, सर तो अगर एक्सलेशन फिर से नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि सर इस डायरेक्शन में भी एक्सलेशन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगी यस yes, समझे इसका मतलब सर इसका पूरा आंसर समझो बॉडी विल नॉट मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्शन सर रेस्ट में रहेगी रहेगी वो रेस्ट में वो रेस्ट में दोनों में दोनों से किसी डायरेक्शन बॉडी मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि फ्रिक्शन इतना कैपेबल है कि दोनों डायरेक्शन में मूव करने को अपोज कर रहा है तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्शन सर हमने इस बार पहले फ्रिक्शन नहीं निकाला था मतलब और नहीं किया था उसे,

तो एक आध क्वेश्चन और करा के फिर आगे की बातें डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर तो की तो कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते ना पहले करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट